नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा के हृदय स्थल पद्मनगर पार्क में। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर प्राचीन हरिगौरी प्रतिमा स्थापित है, जिसे 11वीं शताब्दी में रीवा जिले के गुड़ के पास से बोरगी नामक जगह से लाया गया था। इस प्रतिमा में द्विभुजी शिव गौरी के साथ द्विभंग आलिंगन में मुद्रा में दिखाए गए हैं। प्रतिमा पट के ऊपरी भाग में उड़ते हुए मालधारी गंधर्व दंपति का दोनों ओर प्रदर्शन है। द्विभंग स्थानक हर गौरी प्रतिमा पुरातत्व देश से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरीके की प्रतिमा कहा जाता है इसके अलावा और कहीं नहीं है। आज भी काफी बेहतर हालात में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ दो जेसीबी मशीनें लगी हैं, लगातार काम चल रहा है। क्या है ये मशीनों का काम, किस तरीके से काम यहाँ किया जाएगा, आज बात इसको लेकर। हमारे साथ इस सौंदर्यीकरण में जिनको काम मिला है नगर निगम की ओर से, मौजूद, क्या नाम आपका? द्विवेदी जी है। मैं इन्हीं से जानूंगा किस तरीके से ये सौंदर्य करने की बात क्या है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है। देखिए, जैसे कि ये शहर के मध्य का काफी अच्छा स्पेस है, जो पुरानी धरोहर के तहत बनाया गया था, जो कि शहर में अपन उस हिसाब से जगह को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। आपका नगर निगम से ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, इसका सब सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। किस तरीके से करा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, क्या है, शहर के मध्य का ये सबसे अच्छा प्लेस है, और इसमें क्या है, अभी जिस हिसाब से यहाँ पे स्पेस था उस हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो नगर पालिका निगम ने बहुत ही अच्छा प्लान देके इसमें प्लांटेशन किया जाएगा आपके चारों ओर, पूरे मतलब सराउंडिंग पे। और जैसा कि ये आपकी पुरानी मूर्ति है, इसमें क्या रेनोवेशन नहीं हो पाया है, क्या आपने अपनी पुरानी धरोहर है, तो सजावट न होने के कारण ये मूर्ति छुपी हुई है। तो क्या है, इसी का सौंदर्यीकरण है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अपन ने ये पूरे सरफेस पे पेवर ब्लॉक का काम होना है, सामने एक बहुत बड़ा स्टेज बनना है। मैं आपको एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहूंगा। सामने जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी जमाने में यहाँ पर स्टेज हुआ करता था, और जो भी यहाँ पर सभाएं होती थी, यहीं से बैठकर बड़े बड़े नेताओं ने सभाओं को संबोधित भी किया था। अगर मैं बात करूं अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी से लेके तमाम देश दुनिया के बड़े कद्दावर नेता जो भी रीवा आए थे, वहीं पर, जो इस समय टूटा हुआ है, उसी जगह पर बैठकर भाषण दिया करते थे। आज एक बार फिर से नगर निगम को इस पद्मनगर पार्क की याद आई है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, यहाँ पर पेवर ब्लॉक, जी, सामने मंच, फर्श पर, क्या फर्श पे सर, अपने को ग्रीनरी अपन मस्ट है, और उस पे अपन टोटल फोकस कर रहे हैं। और क्या है, सरफेस जो भी है अपने, उसको अपन प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का कर रहे हैं, कि जो भी राहगीर है, और मतलब जो भी आम जनता है, उसको इस पार्क का लाभ मिल सके, रीवा शहर का आम आदमी यहाँ टहलने आ सके, इसके लिए चारों तरफ शानदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद आम आदमी, बुजुर्गों के टहलने के लिए यहाँ पर कारपेट की तरह ग्रीन कारपेट बिछाई जाएगी, पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निकट भविष्य में ये अपने आप में एक अद्भुत जगह बनने जा रही है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं, दूर आप देख रहे होंगे घंटाघर, यहीं बगल में स्टैचू लगा है रहमत सिंह जी की, यहाँ पर एक प्रतिमा भी है। वो तमाम चीजें बाद में, फिलहाल आज इस पद्मनगर पार्क की हम बात करते हैं। इस ऐतिहासिक पद्मनगर पार्क का सौंदर्यीकरण, जिस तरीके से जब भी इसका सौंदर्यीकरण होगा और जिस तरीके से ये अपनी शक्ल लेगा, उसको भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। आपके लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।